जबलपुर में एक तरफ जनता को बिजली जलाने पर बड़े बड़े बिल मिलते हैं, साथ ही अगर कोई गरीब बिजली की चोरी कर लेता है तो उसे सालों तक बिजली विभाग और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। शायद यही चोरी करने वालों के साथ होना भी चाहिए, लेकिन यह बात खुद बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होती कि वह बिजली की चोरी करें और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें। बीते एक हफ्ते पहले बिजली कार्यालय तो छोड़िए, खुद विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के यहाँ चोरी की लाइट जलती पाई गई थी। चोरी की लाइट जलाने पर कांग्रेस की तरफ से FIR भी दर्ज कराई गई थी। एक बार फिर कांग्रेस नेताओं ने बिजली अधिकारियों द्वारा बिजली चोरी को उजागर किया है। इस बार कांग्रेस नेता मेडिकल स्थित पावर हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने चोरी की बिजली जलाने का खुलासा किया कि किस तरह से अधिकारी मीटर से छेड़छाड़ कर चोरी की बिजली से अपना कार्यालय रोशन कर रहे हैं। पावर हाउस कार्यालय में मीटर महज नाम के लिए लगा हुआ है, जबकि बिजली मीटर से सप्लाई से पहले ही तार से ज्वाइंट लगाकर ऑफिस को रोशन किया गया है। जब पावर हाउस द्वारा बिजली चोरी पकड़ी गई, तब पावर हाउस के जिम्मेदार अधिकारी जवाब दे रहे हैं कि कल शाम को तार जल गया था, जिसकी वजह से ऑफिस का काम चलाने के लिए डायरेक्ट लाइट जलानी पड़ी। आपने भी देखा, यहाँ जितने जन मौजूद हैं उन सब ने देखा कि किस तरीके से खंभे से सीधे लाइट आती है इस बिजली दफ्तर में, उसको डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है, उससे पंखा, आपका ट्यूबलाइट, आपका कंप्यूटर, कूलर, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है और मीटर की यूनिट एक पॉइंट यूनिट भी नहीं बढ़ रही। जो वॉट का डिस्प्ले होना चाहिए, मान लीजिए इतने उपकरण जल रहे हैं तो कम से कम 200 वॉट उस मीटर पे आना चाहिए, वो जीरो का जीरो बना हुआ है। आपने देखा कि तार आई, उससे अंदर को इनपुट की तार जुड़ी हुई है, सब आपकी नज़रों के सामने है। ये तमाम चीज़ें यहाँ कई सालों से चल रही हैं। जिस लाइन लॉस की बात बिजली विभाग करता है, वह लाइन लॉस इन्हीं के द्वारा किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है। हमने जब उस मीटर का बिल मंगवाया तो इनने जो हमको बिल प्रस्तुत करा उसमें यूनिट लिखी है 9340, और जो बंद पड़ा मीटर है उसमें यूनिट दिखा रही है 9310। मतलब वो 30 यूनिट जब बढ़ती तब वो 9340 होता, और इनका ये कहना है कि दो दिन पूर्व जब हमने इस मीटर की गणना करी थी तो 9340 यूनिट था, जिसका प्रिंटेड बिल भी हमारे पास है। जब 9340 पहुंची नहीं, दो दिन पूर्व आपने उसकी गणना कर दी, ये तमाम बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि आपने साफ तौर पे यहाँ पर चोरी कर रहे हैं। और ना केवल वो बिल की बात, आप खुद सप्लाई चेक कर रहे हैं, हम लोग खुद आपको चेक करा रहे हैं कि सीधे खंभे से ये दफ्तर रोशन हो रहा है। इसी तरीके की चोरी अगर कोई आम बिजली उपभोक्ता के पे अगर पकड़ी जाती तो बिजली विभाग के द्वारा लगभग 1,00,000 रुपये का उसका पंचनामा बनाया जाता, उसको पूरे मोहल्ले में जलील किया जाता, उसको जेल भेजने की धमकी दी जाती। अब हम लोगों का यहाँ पर इन बिजली विभाग के तमाम जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं उनको हम लोगों की खुली चेतावनी है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस डिवीज़न के DE, AE, JE इन तमाम तीनों अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, इन पे इंक्वायरी बिठाई जाए और तत्काल इन पे जो आम जनता के ऊपर पंचनामा बनाया जाता है उस तर्ज पे इनका पंचनामा बनाया जाए। वो भी भर्जी काम कर रहे हैं। क्या है सर पूरा मामला? लाइट लोड जीरो बता रहा है मीटर में, लाइट पूरी चालू है। ये अभी हमने जो कल शाम को ऑपरेटर था उससे बात की है, वो बता रहा है कि उसमें एक न्यूट्रल का पॉइंट जल गया था, उस वजह से उनने उसको करके FOC, चूँकि वहाँ उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज होती हैं इसलिए उनने वो ऐसा चालू किया। का कार्यालय है या उसमें अगर ऐसी अव्यवस्था मिलती है तो क्या एक्शन होगा? इसकी हमें जांच करनी पड़ेगी, वो किसने किया, कौन लाइनमैन था, उसने सूचित किया संबंधित को कि नहीं किया। अगर आम पब्लिक करती तो क्या इसका प्रावधान था? आम पब्लिक भी करती है तो हमें रात में उसकी चालू करते हैं और जो उसके लोड के अनुसार रहता है तो जो आंकलित खपत हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आंकलित खपत उसके लोड के अनुसार निकलती है। क्या केस बनाते हैं? नहीं, केस जैसे अगर मान लो दूसरे दिन अपन मीटर बदल देते हैं। अच्छा, केस नहीं बनाते? जैसे मान लीजिए रात में कर दिया है, रात में जल जाए तो फिर उपभोक्ता को अपन तुरंत तो कहाँ आप ना रात में वो कर पाओगे, तो इस ऐसे केस में आंकलित खपत लगा के फिर मीटर इंस्टॉल किया जाता है। ये जो है बिजली चोरी है, ये तो बिजली चोरी का, बिजली चोरी का मामला नहीं, बिजली चोरी डायरेक्ट नहीं, इसका मामला है नहीं, 134 का नहीं है। और कार्रवाई की जाती है, ये एक बाकायदा उसका कनेक्शन था, 21 तारीख को रीडिंग भी हुई है उसकी, 21 तारीख तक सब ठीक था, अभी एक कल ये जाके ये गड़बड़ हुई है तो इसमें जाँच की जाएगी किसने ये डायरेक्ट किया और उसने सूचित किया कि नहीं किया। छः महीनों से नहीं है इसका पंचनामा बनाया आप लोग? पंचनामा भी नहीं बनाया। कब बनेगा पंचनामा? पंचनामा के लिए है नहीं ना वो, मतलब ये केस ही नहीं है पंचनामा के लिए। आपका जो कल पब्लिक होती तब तक पंचनामा और पुलिस भी आ जाती, उसको डंडे भी पड़ने लगते, उसके घर की कुर्की भी हो जाती, बना दिया जाता लाखों रुपए उसकी जाँच होगी
किसने उसको वो किया है और संबंधित को सूचित किया कि नहीं किया। कल से अभी तक क्या जांच में आया आपकी? कल शाम की अभी वही हमें देखना है किसने ये किया अभी और उसने सूचित किया था संबंधित को कि नहीं किया। एक और बात उसमें देखने आई, मीटर काफी पुराना लग रहा है और उसकी जो वायरिंग की गई है डायरेक्ट वायरिंग की गई है अलग ही दिख रही है। ये पूरा आज से नहीं है, कई लग रहा है, देख के ही समझ में आ रहा है लंबे समय से चल रहा है। मीटर तो जब तक चालू रहेगा तब तक नहीं बदल सकते ना उसको। उसमें वायरिंग तो वो अलग से बाहर से दिख रही है कि बाहर से टर्मिनल जल गया था नहीं, तब टर्मिनल गई। के साथ साथ बाहर से कटिंग करके जो है पूरी सप्लाई दी जा रही है उसमें तो मीटर के बाहर से जला हुआ दिखता है ना कहीं। अब वो टर्मिनल जो एक जो न्यूट्रल का टर्मिनल है ना जहाँ अंदर डाल वो वाला। आपका नाम बताइए। भूपेंद्र चौरसिया, सहायक अभियंता, पूर्वा।